जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखते हैं कि उन्हें लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो समस्या कैसी भी हो, पितृदोष की समस्या, सेहत संबंधी, पारिवारिक समस्या, नौकरी संबंधी, किसी भी प्रकार की समस्याओं से वे हमेशा घिरे रहते हैं। आप सभी ने नमक के बारे में बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वो बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत दिखाता है और आपको आर्थिक तथा सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो इस वीडियो को पूरा देखकर इस प्रयोग को पूरा समझ लीजिए, क्योंकि इसकी नियम की एक ही शर्त है कि आपको नियम से इस काम को करना होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस काम को कर सकें, क्योंकि हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे रहते हैं, जिन्हें बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है और वे कर्ज में डूबे रहते हैं और उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है परेशानियाँ। यह नमक का उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो आसान रूप में उपाय ढूंढ रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर सकते, बार बार उनकी समस्याएं उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे लोगों को सिर्फ एक बार इस नमक के उपाय को करके देखना चाहिए कि कैसे ये अपना प्रभाव तुरंत चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हम हर जन साधारण व्यक्ति की सहायता कर सके और उनके जीवन को सफल बनाने में सनातन धर्म के योगदान को आगे ले जा सके। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम आपको बता देते हैं कि नमक के बारे में जिसका पुराने समय से बहुत प्रकाश है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र में अनेकों उपाय बताए गए हैं। इसका प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया है, लेकिन आज के आधुनिक समय में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग अगर आप करते हैं तो अपने जीवन से आप नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लें, ठीक है। आपको करना क्या होगा, अपने हाथ की दोनों हथेलियों के बीच में नमक को ले लेना है और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार से ही शुरू करना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि या तो आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर आप शुक्रवार से इस प्रयोग को शुरू कीजिए। इन दो दिनों में आपको यह प्रयोग शुरू करना है। दोनों हथेलियों की अंजुलि बना करके आपको उसके बीच में नमक को भर लेना है। फिर आप किसी भी भगवान का ध्यान करें, आपके जो भी इष्ट देव हैं उन्हें आप मानते हैं, जिन पर आपको पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, जिनका भी आप ध्यान लगाते हैं, मन में धारण करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको आपको अपने मन में धारण करना है, उनके बारे में सोचना है, ठीक है। अब आपको जो भी समस्या है उसके बारे में आपको सोचना है, आपकी जो समस्या है उसे मन में धारण करें। जिस तरह की भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे आप नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, पारिवारिक समस्याएं हैं, संतान संबंधी है, किसी भी तरह की अगर आपको समस्याएं हैं तो उसके बारे में आपको मन में सोचना है। आपको लंबे समय से किसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उस परेशानी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। फिर आपको जो भी परेशानी है उसे मन में दोहराते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्याएं उस नमक में प्रवेश कर जाएं। और ध्यान रहे कि जब आप उन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं उस समय आप उस नमक को देखते रहें, और अपने इष्ट देव को भी आपको अपने मन में सोचना है। जैसे अगर आप शिव जी को मानते हैं तो शिव जी को अपने मन में धारण कर लें, अगर हनुमान जी को मानते हैं तो उनकी जो छवि है उसे आप अपने मन में धारण कर लें, और अगर आप चाहें तो एक चौपाई का भी आप पाठ कर सकते हैं। वो है क्या, ध्यान से सुनिएगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये एक ऐसी चौपाई है दोस्तों जिससे हनुमान जी को आपकी बात सुननी ही पड़ती है। इस चौपाई से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए हो सके तो आप इस चौपाई का जाप कर लीजिए या फिर 5 बार बोल दीजिए, 11 बार बोल दीजिए, और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको बोलना है इसे। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है।
जब आप नमक में देखते हुए अपनी सभी समस्याओं को उस नमक में प्रवेश करवा देंगे, आपकी सारी चिंताएं, बुरे ख्याल, नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में समा जाए। आपको ऐसा ध्यान अपने इष्ट देवता को मन में रखते हुए करना है, यह सोचते हुए करना है कि आपको इन सारी परेशानियों से भगवान जरूर बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने के बाद आप इस नमक को घर में बिल्कुल भी ना रखें, ना ही आप इसे घर में फेंकें, बल्कि आप इसे घर से बाहर फेंक दें या फिर इसे सिंक में डाल करके आप फ्लश कर देना है आपको। चाहे जो भी हो दोस्तों, आपको इस नमक को अपने घर में नहीं रखना है, इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसे बाहर फेंक देना है। ऐसा करते ही आपको तुरंत आभास होने लगेगा दोस्तों कि आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो तुरंत कम होने लगी है, और आप महसूस भी करेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्याएं तुरंत ही हल होना शुरू हो जाएगी। अब आप यह ध्यान रखें कि जिस दिन आप यह उपाय शुरू करने जा रहे थे वो उपाय सोमवार या फिर शुक्रवार ही हो, उसके अगले 2 दिन तक आपको यह उपाय करना है, मतलब कि पूरे 3 दिनों तक आपको यह उपाय प्रयोग को करना है। ऐसे ही आपको अपनी हथेली में नमक को भर लेना है। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि आपकी समस्त समस्याएं जो है समाधान हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को आपको पूरे 3 दिन तक करना है। अगर आप सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन कीजिए, या फिर अगर आप शुक्रवार से शुरू करते हैं तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आपको इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, पितृदोष उनके जीवन में हर समस्या में आगे आ जाता है, सफलता उन्हें प्राप्त हो नहीं पाती है, ऐसे लोगों को क्या करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कील आपको ले लेनी है और साथ में आपको लेना है 1 कागज पर नमक। नमक आपका इतना होना चाहिए कि 8 जो कीले हैं वो नमक में छुप जाएं। इस तरह से आपको इतना नमक लेना है कि वो 8 कीले रख दें आप, उसके ऊपर नमक डालें और वो 8 कीले उस नमक से छुप जाएं, और उसके बाद उसकी आप पुड़िया बना करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाके आपको दबा देनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और वहाँ आपके जो भी कष्ट हैं वो तुरंत ही समाधान हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा उपाय और सबसे ज़्यादा कारगर उपाय बता दूं दोस्तों। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कई लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं तो वो अपने मन मुताबिक वास्तु के हिसाब से घर को नहीं बना पाते हैं और ऐसे में वे घर को तोड़ भी नहीं सकते, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर कलेश होता है घर में वास्तु की वजह से, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में जो है भेदभाव बने रहते हैं, वैसे में जहाँ पर वास्तु की समस्या है, जैसे रसोई घर या फिर बाथरूम, जहाँ पर भी लगता है आपको कि ये वास्तु के हिसाब से सही दिशा में नहीं है, वहाँ पर आपको नमक की पोटली बना करके रख लेनी है। 7-7 दिन में आपको उसे बदलते रहना है, ऐसा आपको 21 बार करना है। कहने का मतलब ये है कि 7 दिन तक आपको एक पोटली रखनी है, इस तरह की 7 दिन में बदल बदल के आपको टोटल 21 पोटलियां बदलनी है और उस दिशा का आपका पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, हम जो भी आपको उपाय बताते हैं वो पूरी तरह से सटीक उपाय होते हैं, गहन अध्ययन के बाद ये उपाय हम आप सभी के लिए लाते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल में बाकी के उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी के मार्गदर्शन के लिए ही इन उपायों को लाते हैं ताकि आप सभी की समस्याओं को हम हल कर सकें। तो अगर आपको इनमें से कोई भी उपाय पसंद आ रहा है तो आप इस उपाय को कीजिए, लेकिन पूरा कीजिए, इसमें बिल्कुल भी गलतियां मत कीजिए दोस्तों। फिर आप परेशान होते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिला, लेकिन आप नियम से कोई भी काम को करते हैं तो उसका जो है 100% आपको जो है परिणाम मिलता ही मिलता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको उसे नियम के तहत ही काम को करना होगा। कई लोगों को पित्र वाली समस्या होती है दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो को हर जन साधारण व्यक्ति तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है ताकि सनातन धर्म के उपायों को हम और भी आगे ले जा सकें और हर जगह हिंदू धर्म का झंडा हम फहरा सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा और बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल सके। और मैं रोज सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप मेरे चैनल में जाकर के भी वहाँ से सभी उपायों के बारे में जान सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।